नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। धार जिले के कुक्षीडही रोड पर आपको बता दें कि जयस के युवाओं ने मृतक युवक का शव रखकर 4 घंटे तक चक्का जाम किया। जयस संगठन ने हत्या का आरोप लगाया। वही एसडीओपी सुनील गुप्ता ने अज्ञात वाहन से दुर्घटना की बात कही। वही आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन पुलिस की समझाइश व आश्वासन के बाद जयस संगठन के कार्यकर्ता माने बीती देर रात्रि को डही बघवा रोड पर एक व्यक्ति की बोलेरो वाहन की टक्कर से मौत हो गई। इस घटना को लेकर जय आदिवासी संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल ने युवक की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि शराब माफियाओं के द्वारा आदिवासी युवा जनपद प्रतिनिधि अर्जुन कनासिया को मौत के घाट उतारा गया है। अर्जुन कनासिया द्वारा पूर्व से ही डही क्षेत्र में अवैध शराब के मामले को लेकर प्रशासन को लगातार शिकायतें की जा रही थी। बीती रात्रि में भी वे शराब वाहन का पीछा कर रहे थे, इस दौरान उनकी हत्या की गई है। यह आरोप जेएस के रविराज बघेल ने लगाया। इस मामले को लेकर एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता ने बताया कि एक सड़क दुर्घटना है, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वही रविराज बघेल ने कहा कि जब तक इन्हें गिरफ्तार कर इनके मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक डही नगर अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। कोई जाति विशेष की बात नहीं रही, क्योंकि ये कल किसी और के साथ भी होगा। कल कोई लीगल कार्रवाई करने की बात करी है, ये राकेश भाई ने रोके, इनके ऊपर गोली चलाई, ये राकेश भाई ने रोके, उसके ऊपर एफआईआर, उसको बना रखा था, हमने साथ में किया, तो पहले दारू बात है, वो दो बार पकड़ा है दारू ने, आज ये उसको ये दिन देना। कल बीती रात डही में जो घटना घटी है, जिसमें शराब माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से आए दिन अवैध शराब पूरे नगर में धड़ल्ले से किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए जयश युवाओं ने कई दिनों से पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी उस पर कार्रवाई नहीं करते, और जिसके चलते कल शराब माफिया द्वारा एक ऐसा हमारा समाज का योद्धा और एक जनपद प्रतिनिधि अर्जुन कनासिया को मौत के घाट उतार दिया गया। और हमारी पूरे धार जिले के एसपी महोदय से मांग है, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी मांग है कि शराब माफियाओं के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनको सलाखों के पीछे डालें और इनको इनके जितने भी अवैध जो धंधे हैं उसको पूरे नगर में बंद करें और इनके मकान को तोड़कर और इस शराब माफिया के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद ही हम लोग ये सब का पोस्टमार्टम होने के बाद इसका अंतिम संस्कार करने देंगे। क्योंकि आज ये जिस प्रकार से एक युवा को मौत के घाट उतारा है, ऐसे कई दिनों से युवाओं ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन भी सुस्त रवैया अपना रहा, जिसके चलते आज हमारा एक समाज का ऐसा होनहार एक योद्धा को हमने खोया है और ये पूरे आदिवासी समाज में रोष है। जब तक पुलिस इनके खिलाफ नामजद एफआईआर नहीं करती, तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं है, और जयस इसको लेकर सड़क को बैठे का आंदोलन करेगा और उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। थाना डही में एक रात्रि में एक वाहन दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। अज्ञात बोलेरो वाहन से इसकी टक्कर हुई थी, बाइक पर था ये, डही से कुक्षी तरफ जा रहा था और वाहन जो बोलेरो था वो कुक्षी से डही तरफ आ रहा था, तो इनके आमने सामने भिड़ंत हुई है। इस वाहन दुर्घटना में अर्जुन की मृत्यु हो गई है, उसी को लेकर के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के और अपराध की गाड़ी को लेकर के चक्का जाम किया था, जो समझाइश के बाद समाप्त हुआ। वाहन मौके से मिल गया है। सर, इसमें कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई की अभी जी, इसके बाद अज्ञात जो भी आरोपी होंगे गिरफ्तारी की जाएगी। सर, उनकी क्या मांग है सर? घर वालों की और समाज, वो आदिवासी समाज इकट्ठा हुआ था, इनकी क्या मांग? ये आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एफआईआर जो हो, उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी। और कोई को पकड़ा है क्या सर? अभी गिरफ्तारी जब किया जा रहा, टीमें गई है।